फ्रेंड जी डब्ल्यू डी गुड मॉर्निंग, वेलकम है यूट्यूब चैनल से विजय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग में टुसी भाई के पास कोई काम नहीं सिवाय प्याज काटने के। चाय गावा पी चुके हैं, नाश्ता पानी कर चुके हैं। टुसी भाई, नाश्ते में आज क्या लिया आपने? नाश्ते में गावा था और चाय था और ब्रेड था। अबे अल्लाह पाक से डरो, क्यों झूठ बोल रहे हो? लग रही है, एसी चालू करो, चिकन बनाओ, बढ़िया चिकन खाते हैं। तो फाइनली गाइस मॉर्निंग शुरुआत चिकन के साथ हुई है। टुसी भाई आज बनाने जा रहे हैं चिकन करी और मामा की दी इन्होंने दावत, तो रेडी करते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं आपसे रेडी करने के बाद। और टुसी भाई कुछ बोलेंगे फैमिली को अपने? फैमिली को ये बोलेंगे यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाइए, जाके आपको चिकन मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। तो फाइनली गाइस मुर्गी को हमने कर दिया मैरिनेट और रख दिया इसको 15 मिनट के लिए। टुसी भाई अपने प्याज ब्राउन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे प्याज ब्राउन होती है। टुसी भाई एसी चलाना नहीं चलाना? चालू करो गरम मारा। टुसी भाई कहना है एसी चालू करो गरम मारा। तो प्याज ब्राउन होने के बाद इसको इसमें ऐड करेंगे, इसकी करेंगे बुनाई, फिर होगी छनाई। क्योंकि टुसी भाई का एक टारगेट है, सिर्फ छानना, खाना, सोना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज ब्राउन होने के बाद हमने अपना चिकन इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर के बाद इसको हम ब्राउन करते हैं, चिकन भी ब्राउन हो जाएगा, प्याज तो ब्राउन हो चुकी है। फिर उसके बाद इसकी निकलेगी खुशबू जो कि महका देगी पूरे क्वैत को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कंडीशन अभी ये हो चुकी है और तीरा ऊपर आ चुका है। अभी तो फिलहाल भुनाई में आलम है, पकने के बाद क्या होगा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो आज मामा पक्का खुश हो जाएगी, हमसे हदिया देगी, हदिया नहीं देगी तो याद तो जरूर करेगी इंशाल्लाह। तो फाइनली गाइस चिकन करी अपनी हो गई रेडी और हम निकल चुके अपने घर से, पहुंचने वाले हैं मामा के घर। ये रखी हुई है यहाँ पे चिकन करी और तुम्हारा भाई कर रहा है ड्राइव कार। तो पहुंचते हैं मामा घर और देते हैं मामा को चिकन करी, मिलते हैं आप। तो फाइनली गाइस कार के अंदर करी का ये कलर आया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर उसका मूड होगा तो चावल दाल गेहूं हदिया कुछ भी देगी, लेकिन देगी जरूर। और अगर नहीं देगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मामा अपनी मामा है। तो ये है अपनी चिकन करी जो कि रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं मामा को करते हैं कॉल, आती है मामा फिर उसको देते हैं उसका गिफ्ट। तो फाइनली गाइस हमने लगा दिया मामा को कॉल और अगर कॉल उठती है तो ठीक है, नहीं तो मारेंगे बिल, क्योंकि मामा के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं और शायद एक उठा ले मामा अगर सो के उठ गई हो तो। तो फ्रेंड जैसा कि हम आपको बता दें, मामा ने हमको 12:30 पे कॉल किया था, अभी हो गए 1:02 और हमें लग रहा है मामा हमको कॉल करके फिर से सो गई हैं। तो हमने कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, अब हम घर के बाहर वेट कर रहे हैं और हमें लग रहा है हो जाएगी टोपी, ये चिकन हम ही को खाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मामा ने उठा लिया फोन और अब निकालते हैं चिकन करी। तो अभी निकालते हैं अपना भगोना, मामा के फोन उठाने के बाद हमने उठा लिया भगोना और अब चलते हैं अंदर। सलाम अलैकुम राजू, ये है मामा का गिफ्ट। तो फाइनली गाइस मामा को मामा की करी दे दी, अब हम जाते हैं अपने घर और इंशाल्लाह खाते हैं वहाँ खाना, क्योंकि मामा ने हमको दिया राइस और मामा कह रही थी भगोना हमको दे दो। हमने कहा मामा भगोना तुमको दे दूंगा, बनाएंगे कहे में, तो कह रही ठीक है ले लो। तो बाय बाय यल्ला हबीबी, 1 2 3 गो। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं मामा घर से और खाने जा रहे हैं खाना, खाना अपना लग चुका है, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो फाइनली गाइस खाना पीने खा के हम लोग आ चुके हैं बाहर कंप्लेन में और ये टुस्सी भाई अपने बना रहे वजू। हिंदुस्तान में आप बिना टोपी या बिना उसके नमाज पढ़ते हैं या खड़ों के वजू बनाते हैं तो लोग कहते हैं ये है वो है दुनिया तीन तूफान तेरा। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, वजू नमाज पाकी ये सब दिल के इरादे से होता है। आप खड़े होकर वजू बनाएं, बैठ के वजू बनाएं, सर में टोपी हो बिना सर के पढ़ें, सारी कुछ सारी मुराद सिर्फ आपकी नियत से, नियत का दारोमदार अमल पे। तो कहने का मतलब ये था कि नमाज हो या वजू हो सब आपके दिल के हिसाब से होता है। तो चलते हैं सिंक वाली मस्जिद और पढ़ते हैं नमाज। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका था, अर्जेंट में एक कॉल आ गई मौज कॉफ़ी वाले की। उसने कहा भाई मेरी एसी चेक कर लो, कस्टमर का टाइम है तो किसी की मजबूरी समझना चाहिए। तो खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं मौज वाले के पास, उसकी मशीन चेक करेंगे, अगर बनाने लायक होता तो बनाते हैं वरना उसको समझा के चले आएंगे। तो उसी भाई गाड़ी में रेडी हो चुके हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मौज में और अभी करने वाले हैं मौज और इसका ऑनर गायब है और हमें चेक करनी है अंदर वाली एसी, सामने आपको दिख रही होगी एसी है गिरी का, चेक करते हैं उसके बाद बताते क्या प्रॉब्लम है। ओफो भाई अरे बाप रे, टुस्सी भाई क्या रंगबाजी, कुछ ऊंची आले तक कह रहे हैं एक कॉफी लेके आओ। अब हमारे उस्ताद जा रहे हैं ऊपर चढ़ने आउटडोर चेक करने, क्या प्रॉब्लम है अभी आपको 2 मिनट में बताएंगे। ये बांध गए हैं, ये मौज की गाड़ी है, ये देखो चढ़ चुके हैं। तो फाइनली गाइस हमने अंदर और बाहर सारा चेक कर लिया, इनकी मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, वो है लीक। तो अभी हमने इनको बता दिया कल मॉर्निंग में 3 बजे आएगा और काम करके जाएगा इंशाल्लाह
और अभी निकलते हैं यहाँ से, आज रुतुबा बहुत ज्यादा है, गर्म बहुत ज्यादा है, तो चलते हैं घर, ब्लॉग कहीं से करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो में आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।